देखो बच्चों, प्लेस वैल्यू डेसिमल नंबर की कैसे निकालेंगे इसको भी सीख लो। ये रिवीजन है एक तरीके का, करा हम सारी चीज चुके, समझ में आया। तो ये लिखा है 859.7742 इसमें पॉइंट भी लगा है। सादा वाले के तो आप निकाल लेते हो कि प्लेस वैल्यू इसकी इतनी है। अब आया डेसिमल, ध्यान से समझ लो। डेसिमल से पहले देखो, ये लिखा है वंस की प्लेस पे, ये है टेंस की प्लेस पे, ये है हंड्रेड। डेसिमल से पहले इसको लिखना आसान होता है। वंस के प्लेस पे कौन है? नौ। तो इसकी प्लेस वैल्यू हो गई नौ। इसके समझ में आए? टेंस के प्लेस कितना? पांच। इसकी प्लेस वैल्यू हो गई पचास। पांच नहीं हो गई, पचास हो गई। टेंस के प्लेस में एक टेंस कितने का होता है? दस का। पांच टेंस कितने का हो गए? दस के। पांच नोट है दस के, कितने हो गए? वजह से जोड़ लोगे, लेकिन जब अंकों का नंबर आएगा, नंबर का नंबर आएगा, तब नहीं कर पाओगे। हाँ, अब ये हंड्रेड के, आठ हंड्रेड है हमारे पास, आठ हंड्रेड का हो गया हमारे पास आठ सौ। नहीं आई समझ में? इसका मतलब ये देखो, फाइव इंटू टेन, इसका मतलब ये है एक टेन कितने का हो गया? ये टेन के प्लेस पे। अब आ जाओ यहाँ पर, कितना हो गया इसका? आठ सौ। आठ सौ इसका मतलब क्या है? एट इंटू हंड्रेड। ये इधर की कहानी हुई। अब दशमलव तो उधर की कहानी क्या हुई इसको समझ लीजिए, स्टोरी क्या हुई इसको देखें। इस वाले को इसकी होगी बच्चों सेवन अपॉन टेन, देख लो जस्ट उल्टा है। इसकी होगी बच्चों फोर अपॉन हंड्रेड, इसकी होगी बच्चों टू अपॉन वन थाउजेंड। अब बोलो किसके समझ में आया? जो पॉइंट के पास में होता है अपॉन टेन हो जाता है। इसका मतलब यह है, देखो सेवन अपॉन टेन का मतलब क्या है, कोई बच्चा बता सकता है क्या? यह है इसका मतलब, यही समझ लें। फोर अपॉन हंड्रेड का मतलब कोई बच्चा बता सकता है? जीरो पॉइंट जीरो फोर। अच्छा, टू अपॉन थाउजेंड का मतलब समझता है कोई बच्चा? बोलिए। जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू। जीरो जीरो टू। अब इनको जोड़ के दिखाओ, कोई बच्चा जोड़ सकता है इसको इसको इसको? सेवन। हम बता रहे हैं, पहले लिखो ये वाला जीरो पॉइंट जीरो जीरो, लिखो ये वाला पॉइंट के नीचे पॉइंट जीरो फोर, फिर लिखो ये वाला पॉइंट सेवन, जोड़ो जरा इसको। देखो टू फोर और सेवन, देखो ये आ गया इस तरीके से। आता किस किस के समझ में आया? आया? यस सर। थैंक यू वेरी मच।